हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्विंग एंड ड्राफ्टिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टोटल स्टेशन से ली गई SDR फाइल है तो उसे हम CSV में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर हमारे पास CSV डेटा है जो हमने ऑटोकैड से लिया है तो उस फाइल को हम टोटल स्टेशन में लोड करने के लिए या GPS में लोड करने के लिए SDR फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। SDR फाइल्स मोस्टली सोकिया और जियोमैक्स के जो टोटल स्टेशन और GPS हैं उनमें यूज होती है। ये कन्वर्शन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सोकिया लिंक। ये सॉफ्टवेयर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा वहां पे। इंस्टॉलेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक SDR फाइल चाहिए होगी। वो SDR फाइल भी आप इसी डिस्क्रिप्शन में, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वो फाइल भी साथ में डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये फर्स्ट जो फाइल नजर आ रही है सोकिया, ये जिप फाइल सोकिया लिंक, ये आपको नजर आएगी, ये आपके पास आ जाएगी, जहां पे आप चाहे सेव कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दो फाइल्स आपके पास सामने आ जाएंगी, पहला सेटअप है, दूसरी SDR फाइल है। सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ये देखें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आएगा कि यू मस्ट रजिस्टर्ड, इसको ओके कर दीजिए, सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड यूजिंग SDR फाइल, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये एक नई विजर्ड आपके पास आ गई है। इसमें से ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर के ड्राइव है CDEFG। अगर मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मुझे मैसेज आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट रिमूवेबल डिस्क। आपकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए SDR फाइल है वो आपके सिस्टम की मेमोरी में नहीं होनी चाहिए, वो आपने एक्सटर्नल मेमोरी में रखनी है। आप USB में रख लें, कार्ड में रख लें, जहां भी जो भी आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सटर्नल मेमोरी USB कनेक्ट की हुई है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी USB ओपन हो गई है। ये मेरी SDR फाइल मैंने एक फोल्डर में रखी हुई है, डबल क्लिक किया फाइल खुल जाएगी। यहां से इसको सेलेक्ट करें और ओपन फाइल पे क्लिक कर दें। देखिए जैसे ही ओपन फाइल पे क्लिक किया आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, इसको ओके कर दें, सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर हो चुका है। अब अगर आप जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट खुला हुआ है उसी को यूज करना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए। अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर जो भी अपने प्रोजेक्ट को नेम देना चाहें, जहां पे भी सेव करना चाहें आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट वाले को यूज कर रहा हूँ, ओके कर दीजिए, सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो गया है। पहले हम SDR फाइल को CSV में करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये फोर्थ आइकन है, जहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है कि जैसे बंदा प्रिज्म या फ्लैग लेके खड़ा हुआ है, और उसके जैसे ही आप उसके ऊपर लेके जाते हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा टोटल स्टेशन। इस पे क्लिक कीजिए, एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें बाई डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है SDR20/SDR33, इसको आप वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट में एक ऑप्शन है OBS ऑब्जर्वेशंस, इसको अनचेक कर देंगे। और डेटा लाने के लिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए ओपन डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओपन डेटा क्लिक किया ये एक नई विंडो खुल गई है। ये मेरे पास कुछ SDR फाइल पड़े हुए हैं, आपकी जहां पे भी फाइल पड़ी हो आप वहां पे उसको देख सकते हैं। मैंने क्योंकि बाई डिफॉल्ट में SDR में चला गया, आपकी फाइल जहां पे भी हो आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। ये एक SDR फाइल मेरे पास है SDR33, मैं इसी को ले रहा हूँ। क्लिक किया, सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखें ये मेरी SDR फाइल थी, अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस डेटा को हमने CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना है। ये लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिए, ये एक नई विजर्ड आपके सामने आ जाएगी। अब ये ऑलरेडी SDR है, हमने CSV पे लेके जाना है। आप TXT में टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी लेके जा सकते हैं, और प्रिंट आउट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं CSV का ऑप्शन ले रहा हूँ। ये देखिए पहले ये फील्ड और थी, इसमें फील्ड बुक नजर आ रहा है जब SDR सेलेक्टेड था। जैसे ही मैंने CSV सेलेक्ट किया तो ये मेरी फील्ड भी चेंज हो गई है। इस बॉक्स के ड्रॉपडाउन एरे में क्लिक कीजिए, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, आपको पॉइंट नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, कोर्स, कॉमा सेपरेटेड में चाहिए, स्पेस सेपरेट चाहिए, टैब में चाहिए, डार्ट में चाहिए, और जिस तरह आपको चाहिए कि पहले आपको पॉइंट नंबर चाहिए, फिर ईस्टिंग चाहिए, नॉर्थिंग चाहिए,
या सिर्फ नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन कोड चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सेकंड ऑप्शन ले रहा हूं, ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड कॉम कोड्स, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। ये आपके पास नई विंडो आ गई है कि आप अपनी फाइल को कहां पे सेव करना चाह रहे हैं। जहां पे भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं आप उसे वहां पे सेव कर सकते हैं। मैं फाइल ड्राइव में सेव कर रहा हूं, जहां पे जो भी आप नेम देना चाहें वो फाइल का नेम देके सेव कर दीजिए। आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसको यहां से एग्जिट कर दें, मिनिमाइज, आप देखते हैं कि हमारी फाइल कहां पे सेव हुई है। देखिए मैंने एफ ड्राइव में सेव की थी SDR33POSTXT, ये हमारी जो CSV फाइल थी वो SDR में कन्वर्ट हो चुकी है। सॉरी, हमारी जो SDR फाइल थी वो हमारे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको ओपन करते हैं, ये देखिए ये हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई है। अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखना है तो ठीक है, अगर आप एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं सिंपल इसको क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहां से अपने एक्सेल में जाइए, एक्सेल ओपन करके यहां पे लाके इसको पेस्ट कर दें, ये देखें। लेकिन जब पेस्ट किया है तो ये देखें सारे का सारा डेटा एक ही कॉलम में, लेकिन मुझे एक नहीं, मुझे हर कॉलम में मुझे पॉइंट नंबर चाहिए, फिर ईस्टिंग चाहिए, फिर नॉर्थिंग, फिर एलिवेशन, फिर कोड्स। इसके लिए फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और ये टॉप मेन्यू बार से डेटा के टैब में जाके क्लिक करें। जब आप डेटा के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक करें, ये विंडो आपके पास आ जाएगी। डेलिमिटेड ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहने दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हमको पता है कि हमारी ये फाइल कॉमा सेपरेटेड है, आपकी फाइल जो भी होगी वो सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है या कुछ और है, आप जो भी फॉर्मेट है वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉमा डेलिमिटेड है तो मैं कॉमा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। देखिए जैसे ही कॉमा सेलेक्ट किया ये मेरे तमाम जो डेटा था डिफरेंट कॉलम्स में आ गया है, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और स्टेशन। तो ये तो था कि हम SDR को CSV या एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से फिर आप इसको सेव कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, इसको बंद कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर CSV फाइल है तो उसको हम SDR फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो पहले आप उसे सेव कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में। CSV फॉर्मेट में सेव करने के बाद एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी टॉप रो है जहां पे आपका लिखा होता है पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, वो आपने डिलीट कर देनी है। आपने सिर्फ अपना न्यूमेरिक डेटा जो है वो रखना है, कोई टाइटल कोई हेडर आपने नहीं रखना। ये देखे मेरे पास डेटा है, पहले पॉइंट नंबर है, फिर ईस्टिंग है, फिर नॉर्थिंग है, फिर एलिवेशन है और फिर कोड है। और ये पॉइंट का जो सीक्वेंस है ये भी आपने याद रखना है कि आपका पहले पॉइंट नंबर है और उसके बाद ईस्टिंग है या नॉर्थिंग है। मेरा ईस्ट, नॉर्थ, एलिवेशन और कोड्स है। ओके, लिंक में गए, सेम आइकन पे क्लिक करेंगे नंबर 4 पे। अब हम यहां से ऑप्शन चेंज करेंगे क्योंकि अब हमने CSV फाइल को कन्वर्ट करना है SDR में। तो देखें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, कोड, कॉमा, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, कोड, कॉमा और बाकी भी सारी इसमें एक लिस्ट है। जो भी आपकी CSV फाइल का फॉर्मेट होगा यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करना है। मेरा जो CSV फाइल थी अगर आपको याद हो तो पहले पॉइंट नंबर थे, फिर ईस्टिंग था, फिर नॉर्थिंग, फिर एलिवेशन और फिर कोड और CSV कॉमा डेलिमेटेड। तो मैं ये सेकेंड ऑप्शन को ले रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन को आपने अनचेक रखना है, ओपन डेटा पे क्लिक कीजिए और अब हम अपनी SDR फाइल को, सॉरी CSV फाइल को लोड करेंगे इसमें, जहां पे भी आपकी फाइल सेव है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। अगर आपको फाइल यहां पे नजर नहीं आ रही तो ये देखें अभी यहां पे आके टेक्स्ट फाइल, आप इसको ऑल फाइल कर दीजिए तो आपकी सारी फाइल डिस्प्ले हो जाएंगी। ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है सैंपल CSV, सेलेक्ट कीजिए, ओपन, ये हमारा सारा डेटा जो है वो आ चुका है। अब हमने इस डेटा को SDR फॉर्मेट में लेके जाना है तो उसके लिए सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, SDR का ऑप्शन लेंगे। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस है इस ड्रॉपडाउन में, SDR20 फील्ड बुक, SDR33 फील्ड बुक, SDR20 कोऑर्डिनेट, SDR33 कोऑर्डिनेट। जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जो भी उसके लिए सपोर्टेड फॉर्मेट है यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मोस्टली SDR 33 कोऑर्डिनेट इस ओकिया में यूज होता है। तो मैं इसको SDR 33 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना। जब आप ओके कर देंगे तो फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे ले जा रहा हूँ। नेम हम सेम रहने दे रहे हैं, सैंपल डॉट SDR। यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। मेरे पास पहले से फाइल थी तो मैंने उसको रीनेम कर रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आप जब फाइल करेंगे तो आपको जो मैसेज जो आया था ये मैसेज नहीं आएगा। सेव करने के बाद इसको एग्जिट कर दें, मिनिमाइज कीजिए। ये देखें, ये सैंपल SDR फाइल जो है हमारी हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। तो ये तो था कि SDR को CSV और CSV को SDR में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई कन्फ्यूजिंग हो, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।